ये जो टाइप का डीसी है, इस टाइप के डीसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। तो फिलहाल जो मेरा आउटपुट है वो है पल्सेटिंग डीसी। डीसी तो है, एक ही साइड पे है आउटपुट के, नो डाउट अबाउट, वो लाइन के एक ही साइड पे है, तो डीसी तो है, पर फिक्स्ड डीसी नहीं है, कांस्टेंट डीसी नहीं है। हमको आउटपुट चाहिए कुछ इस टाइप का। दिस इज द डिजायरेबल थिंग। तो यहां पर हम सीखेंगे पहला स्टेप कि इसको यहां पे लाने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमको जो सर्किट लाना पड़ता है या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको नाम दिया गया है फिल्टर सर्किट्स। सो फर्स्ट वन इज नोन एज द सी फिल्टर। सी फिल्टर मतलब कैपेसिटर फिल्टर। सबसे आसान हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव द आउटपुट, वो है अपना कैपेसिटर। अब देखिए, ये जो आरएल है, ये मेरा रेजिस्टर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेजिस्टर जो चीज है, रेजिस्टर एक डीसी कंपोनेंट है। तो रेजिस्टर मेरा चीज एक डीसी कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा प्लीज, रेजिस्टेंस जो, रेजिस्टर जो है वो अपना डीसी कंपोनेंट है। ये जो मेरा आउटपुट है, अब एक्चुअली हम लोग ईमानदारी से ऐसा दिखाते हैं, अच्छा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कैसा होता है, ये तो आउटपुट तो है ही, पर इधर भी ना, तो ये जो डीसी है, इस डीसी के अंदर भी एक एसी होता है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस एसी इफेक्ट। तो ये जो एसी विच इज इनसाइड दिस डीसी, इससे जो हम फैक्टर निकालते हैं उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। पहले उसके पहले एक फैक्टर निकलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की मदद से हम निकालते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर सोच के बताइए, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम कम होना होना चाहिए। चाहिए। रिपल फैक्टर, वेरी गुड आकांक्षा, रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो एक तो अपने को ये रिपलिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा, जब आपका ये ऐसा लाइन बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका एसी पार्ट्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने को कॉज ऑफ यूजिंग द फिल्टर मालूम होना चाहिए कि मेरा जो पल्सेटिंग डीसी है, इस पल्सेटिंग डीसी को मैं एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसलिए हम फिल्टर लगाएंगे। तो अब फिल्टर लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं भाई, कि फिल्टर लगता कैसे है। तो फिल्टर लगाने का मतलब है, इस सर्किट में आप एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कीजिए जो कि एक एसी कंपोनेंट होगा। एसी कंपोनेंट होगा मतलब कैसे मालूम सर ये एसी कंपोनेंट है, प्रूव करके बताओ। तो जो मेरे पास कैपेसिटर इज माय एसी कंपोनेंट। कैसे मालूम? बहुत सिंपल है, कैपेसिटर चार्जेस डिस्चार्जेस, करेक्ट, चार्जेस डिस्चार्जेस। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है। और जब वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, दैट मींस इट इज बिहेविंग लाइक एन एसी। एसी में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वही चीज आपका कैपेसिटर भी आपको दिखा रहा है। तो कैपेसिटर जो है वो एक एसी कंपोनेंट हो गया या एक एसी डिवाइस हो गया,
रेजिस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोड्यूस करता है, तो रेजिस्टर एक डीसी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस डीसी में से एसी खींचना है, इस डीसी में से एसी को पूरा आपको चूस लेना उसको कि चल भाई एसी निकल इधर से। तो मेरे को एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा डिवाइस तो चाहिए ना जो एसी को खींचेगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डीसी को नहीं खींचेगा। तो अब क्या होगा, देखिए हमारे पास भी आउटपुट इधर से आना चालू हो गया, ये आपके पास आउटपुट है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद व्हाट विल द कैपेसिटर डू, द कैपेसिटर विल अट्रैक्ट द एसी, कैपेसिटर एसी को खींच लेगा पूरा अपने अंदर। अब थोड़ा सोच के बताइए, कैपेसिटर अगर ज्यादा से ज्यादा एसी खींचना चाहे तो एक्सी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा। वेरी गुड। तो एसी का जो वैल्यू है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए, सो एक्सी शुड बी बड़ा से बड़ा। नाउ इफ एक्सी इज बड़ा से बड़ा, व्हाट इज एक्सी का फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब इसमें आप न तो 2 बदल सकते हो, न पाई बदल सकते हो, न एफ बदल सकते हो, मतलब आप क्या बदल सकते हो, आप सिर्फ सी का वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो यू हैव टू चूज अ कैपेसिटर जिसका सी का वैल्यू बड़ा से बड़ा, अगर सी बड़ा तो एक्स सी विल बी छोटा, ठीक है। तो कैपेसिटर लेंगे हाई वैल्यू कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए क्या हुआ है स्टूडेंट्स, नाउ वंस अगेन फॉर सुपर अंडरस्टैंडिंग अपने को कुछ नंबर्स ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज वी फिलहाल ये इफेक्ट हटा दें, लेट अस से अपने पास ये 3 वोल्ट पे काम कर रहा है, आपका 3 वोल्ट का वैल्यू 1 2 3। तो अब देखिए क्या किया हमने, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ले लिया कि जो हमारा आउटपुट है वो आपको 3 वोल्ट दे रहा है, पीक वैल्यू पे 3 वोल्ट है, ठीक। ओके चलो भाई इधर से आपको फ्लो शुरू हो गया, आरएल में जाएगा करंट, सम करंट विल फ्लो इन द कैपेसिटर आल्सो, सो द कैपेसिटर विल बिगिन टू चार्ज। अब ऐसा कब हो रहा है ध्यान दीजिए प्लीज, जब हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं। सो ये देखिए ये आपका जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल है, इसमें आपका वोल्टेज या करंट, वोल्टेज बेसिकली बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है एक्चुअली, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो ये आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक। ये वैल्यू हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है 3 वोल्ट। अब कैपेसिटर भी चार्ज हुआ है, ये आरएल में से भी करंट जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल ही रहा होगा। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए अब क्या होगा, नाउ जैसे ही ये डिक्रीज चालू होगा, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द कैपेसिटर, वेयर इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर इज एट 3 वोल्ट, इधर लिख रहा हूं इसे, कैपेसिटर कितने पे है, कैपेसिटर 3 वोल्ट पे है। अब क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होते ही कैपेसिटर विल ट्राई टू मेंटेन, वो बोलेगा कि नहीं यार अपने को तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो इन द प्रोसेस उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आगे डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसका वोल्टेज कम हो गया ना इधर, अब कम करंट आ रहा है, तो जो पहले चार्जिंग हो रहा था वो अब क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, और जैसे ही वो डिस्चार्जिंग शुरू हुआ वो पूरा नीचे नहीं आ पाएगा, इधर इधर तक आएगा और फिर से वो मेंटेन हो जाएगा।
चलिए फिर से समझने का कोशिश कीजिए. At 3 volts, your capacitor was charging. फिर क्या हुआ? फिर आपका वोल्टेज कम होना शुरू हो गया. अब जब वोल्टेज कम होना शुरू हो गया तो कैपेसिटर तो अपना 3 वोल्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और इसलिए वो और करंट भेजना शुरू कर देगा. वो खुद से डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा सो दैट योर 3 वोल्ट इज मेंटेन्ड. तो वो पहले थोड़ा सा आपका ये नीचे आएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स बट वो 2.7 2.8 समझो ऐसा थोड़ा सा डिप होएगा. तब तक कैपेसिटर को समझ जाएगा अरे यार अपने पास अभी वोल्टेज कम आ रहा है, चलो ये जो करंट जो ये जो चार्ज स्टोर किया इसको फेंको बाहर एंड लेट अस मेंटेन द वोल्टेज. तो वो फिर से आपका इधर से फ्लो शुरू हो जाएगा, सेम अमाउंट आपके पास इधर से मिलने लगेगा और ये आपका नीचे जाने की जगह पे ऐसा स्ट्रेट लाइन मेंटेन. अब ये जो है इतना जितना इजीली बोल रहे हैं ऐसा होता नहीं है, अपने को उसको सेट करना पड़ता है. आपको ये कैपेसिटर का पहले अच्छे से ट्रायल एंड एरर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया इधर लगा दिया और ऐसा आने लगा उसको. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज माय आउटपुट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एवर आर द कंपोनेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस. वो काफी उसमें ट्रायल एरर करके ये काम किया जाता है. अब फिर से जब तक ये अपन मेंटेन कर रहे हैं, ये फिर से जब आपके पीक साइकिल पे आएगा फिर से चार्जिंग शुरू हो गया तो जितना डिस्चार्ज हो रहा है उतना फिर से नेक्स्ट ये वाले पार्ट में उसको फिर से वो चार्ज मिल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि अरे यार कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया अब अगली बार कहां से आएगा. तो अगली बार इट विल यूटिलाइज दिस पार्ट ऑफ द सेकेंड साइकिल इन अगेन गेटिंग चार्ज. तो वो फिर से चार्ज होगा और जैसे ही आपका ये नीचे जाने लगेगा द कैपेसिटर विल बिगिन डिस्चार्जिंग फ्रॉम इट्स एंड टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज. और इस तरीके से ऐसा एग्जैक्टली इस तरीके का तो नहीं मिलेगा बट आपको देखो ऐसा इस टाइप का आपको डीसी अभी मिलने लगेगा. तो ये जो टाइप किया था हमने यानी ये जो टाइप ऑफ फिल्टर आपने यूज किया है इसको हम बोलते हैं द कैपेसिटर फिल्टर और द सी फिल्टर. फिल्टर सर्किट का जरूरत क्या है? वंस अगेन फिल्टर सर्किट का जरूरत ये है कि जो मेरे पास यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी है इसको मैं डीसी विद कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट आउटपुट बना सकूं. इसलिए हमने फिल्टर सर्किट्स को यूज किया है. तो स्टूडेंट्स फिल्टर सर्किट्स काफी इजी एस्पेक्ट था या बहुत कंपैरेटिवली बहुत सिंपल पार्ट था जो आपके बुक में है.